शिव पार्वती ये नमः ओम नमः शिवाय नमः। अरे चौधरी साहब, हाँ महादेव की कृपा से अब आप कन्या को बुलाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लेके आओ। जी अभी लाती हूँ। आओ आओ बेटा, आओ इधर आओ, आओ आ जाओ। दामाद जी, आज से हमारी बेटी आपकी हुई, इसका खूब ख्याल रखिएगा। ये लीजिए। आज से इसकी जिंदगी की डोर आपके हाथ। एक माँ ने अपनी बेटी को जंजीरों से क्यों बांधा हुआ था? अपनी संतान के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों किया उसने? क्या उसे अपनी बेटी से नफरत थी? और अगर नफरत ही थी तो फिर उसने अपनी बेटी की शादी ही क्यों करवाई? ओ सपना यार, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तुम मुझे मिस करोगे? नहीं। अरे बुद्धू, क्यों नहीं मिस करूंगी, कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं फिर आ जाऊंगी ना यहाँ पे। इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? अच्छा गांव पहुंच के मुझे फोन करना। एक काम करते हैं, तुम्हारे गांव जाने से पहले एक फिल्म देख के आते हैं। क्यों? कौन सी फिल्म देख रहे भैया? जो तुम कहो। आजकल के लैला मजनू को अभी देखना, ये लड़का इस लड़की को बैठा लेगा मोटरसाइकिल पे, फिर उसके बाद ले जाएगा होटल। देखो बैठा ला है। और फिर क्या होगा भैया? अरे फिर वही होगा जो होटल के बंद कमरों में होता है। अरे भैया किस्मत है लौंडे का। बाबा जल्दी करो, नहीं तो बस छूट जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं कह रही हूँ, इधर आओ। आपने क्यों तकलीफ की बाबा? मैं आ जाती ना, बाराबंकी है ही कितना दूर, अब मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ बाबा। ये बात तो बिल्कुल सही है, जब तो बच्ची नहीं है। ठीक है जाओ तुम, मैं बंद कर दूंगा। वहां पे क्या हो रहा है? उनकी शादी वादी है कुछ। सलाम वालेकुम रघुवीर। अरे भैया ले आए सपना बिटिया को। नमस्ते खान चाचा। जीती रहो बेटी, कैसी चल रही तेरी पढ़ाई लिखाई? बहुत बढ़िया खान चाचा, अभी बस 2 साल रह गए हैं, फिर मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा और फिर तो मुझे शहर में नौकरी करनी है। माशाल्लाह। अच्छा चाचा रियाना कैसी है? बहुत याद करती है तुझे। रघुवीर भाई हा? मैं 1 हफ्ते के लिए इटावा जा रहा हूँ, लौट कर मिलता हूँ। अच्छा भैया। अच्छा नमस्ते खान चाचा। रे उधर से नहीं, इधर से कच्चे रास्ते से।
हाँ, उस वाली सड़क पर कीचड़ जमा हुआ, बरसात का पानी भी भरा है। पर पापा गांव तो इधर से नजदीक पड़ता है। हाँ, लेकिन इधर से चलेंगे। बिल्कुल नहीं बदलाना अपना गांव पापा। लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ बदल गया। चले चले। हाँ चल। पापा पता है इधर से ना रिहाना और हम बहुत खेला करते थे। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? घर ही जा रहे हैं, बस थोड़ा और। लता लता लता, सपना के बाबा सपना कहाँ है? सपना सपना ये क्या कर रहे हो आप? शहर में होटलों में लौंडों के साथ घूमते हैं? नहीं पापा, पापा ये झूठ है, पापा ऐसा कुछ नहीं है। चुप, अपनी आँख से देखा है हम, तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। आज से कमरा ही तेरी दुनिया है। पापा ये सब झूठ है, मेरी बात सुनो प्लीज पापा। मुझे कुछ नहीं सुनना। चुप, सपने के पापा। सपना ने फोन क्यों काट दिया? बाबा नहीं, बाबा सॉरी, बाबा करो तुम हट जाओ, मार खा जाओगी मेरे हाथ से तुम भी। हमारी बात सुनिए, हमारी सपना नमस्ते रघुवीर चाचा। नमस्ते चाचा, सपना कहाँ है? वो नहीं आई। नहीं आई, लेकिन आप तो उसे लेने गए थे ना? हाँ गया था लेकिन उसे कुछ जरूरी काम आ गया और वो कई महीनों बाद आएगी। अच्छा, कहा सोच के भेजा था, कहा गुड़ खिलाया। अरे हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि सहर पढ़ने ना भेजो, लेकिन तुम नहीं मान रही थी ना, कहती नहीं पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, पढ़ने भेज दो। भेज दिया, कहा निकला नतीजा? ए, कहाँ जा रही? सपना को खाना खिलाने, सुबह से भूखी प्यासी बैठी है वो। फड़ो खाना, बैठो तो। हम खिलाते हैं खाना, खाना खिलाने जा रही है, सब तुम्हारा करा हुआ। We'll be right back.
सब बात में, सबसे पहले तू खाना खा। बैठ। थोड़ा सा। कौन है वो लड़का? माँ, विक्रम बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसको बहुत चाहती हूँ। दिल्ली में ही रहता है? हाँ माँ, वहाँ उसका खुद का घर है, उसका खुद का बिजनेस भी है। क्या तुम सच में उसके साथ होटल में? नहीं माँ, आपकी कसम, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसे आपको या बाबा को शर्मिंदा होना पड़े। तू फिकर ना कर, मैं कल सुबह ही तेरे बाबा से बात करूंगी। मुझे पता है जब उन्हें सच पता चलेगा ना तो वो भी मान जाएंगे। देखना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं चलती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। ताला लगाती जाओ माँ, बाबा को पता चलेगा कि तुम उनसे बिना पूछे यहाँ आई थी तो वो तुम पर भी गुस्सा करेंगे। के बाबा, सपना बता रही थी कि वो लड़का विक्रम बहुत भला लड़का है, खुद का घर है, बिजनेस है, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। एक बार उस लड़के के घर वालों से बात तो करके देखो। चलो गया, कंगा लेकर आ। बाल्टी कर। हो गया। मुस्कुराए ना। करना क्या चाहते हैं? सब पता चल जाएगा तुझे। चल बाबा, बाबा, बाबा मेरी बात सुनो, बाबा, बाबा मेरी बात सुनो, बाबा। पास सुनो, पास सुनो। कान पका दिए इसने। बाबा। अस्सलाम वालेकुम। अरे अबू आप। वालेकुम सलाम। आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? तू कहे तो मैं वापस चला जाता हूँ। अरे भाई, काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं भी जल्दी वापस आ गया। खैर, तो इस वक्त घर पे क्या कर रही है? घर पे क्या कर रही हूँ मतलब? भाई मैं तो ये सोच रहा था कि तू अपनी सहेली के साथ पूरे गांव में धमा चौकड़ी कर रही होगी। सहेली के साथ? क्या कह रहे हैं अबू? तो तू क्या अपनी सहेली सपना से अब तक मिली नहीं? सपना से? लेकिन रघुबीर चाचा तो कह रहे थे कि वो आई नहीं। नहीं भाई, वो दोनों ही मुझे गांव के तालाब के पास मिले थे। अरे जिस दिन मैं इटावा जा रहा था। फिर रघुबीर चाचा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अबू मैं अभी पता करके आती हूँ। ठीक है बेटा।
लता, लता जी कहिए। सपना के सारे कागज लेके आओ, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र निकालो। लेकिन आप कर क्या रहे हैं सपना के बाबा? जितना कहा उतना सुनो जी। और हाँ, आधार कार्ड मत भूल जाना जी। सपना के बाबा, सारे कागजात है इसमें। लेकिन हमें बता तो दीजिए आप कर क्या रहे हैं? हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। हमारा मन बहुत ही घबरा रहा है सपना के बाबा। इतना कहा करूं उतना सुना करो बस। हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आप इन कागजात का क्या करेंगे? अभी बताएंगे क्या करेंगे। बताइए तो सही। साइन करें यहाँ पर। क्या है बाबा? लेकिन एक बार आप बता दो। साइन कर। या नीचे। चल। बाबा। चाचा जी, सपना है क्या? अरे हमने तुमसे कहा था ना कि वो नहीं आई। लेकिन अब्बू तो कह रहे थे कि सपना। अरे तुमको क्या लग रहा है, हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं? वो बात नहीं है चाचा जी, वो सपना का फोन नहीं लग रहा था। अरे तो हमें क्या पता। अब तुम जाओ। अच्छा चाची घर पर हैं? तुम जा रही हो कि नहीं? जाओ। कहीं सपना किसी खतरे में तो नहीं? रघुवीर चौधरी का घर यही है। हाँ कौन? अरे अरे नमस्कार चौधरी साहब, आपकी बिटिया सपना चौधरी है। हाँ। उसका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन के लिए हम आए। अरे चाय वाला लाओ भाई। बैठ बैठ। चलते हैं अब हम। अच्छा भैया देख लेना भैया, ये क्यों आया था? सब ठीक है तो है ना? हाँ सब ठीक है तो करना है, इसीलिए आया। काम देखो जाके अपना। जगत भैया, सपना के लिए कोई लड़का बताओ। बस इतनी सी बात? अरे वो अपना रोशन लाल है ना। हाँ। उसका छोरा। अरे नहीं नहीं भैया, हमको ऐसे लड़के से सपना की शादी करनी है जो विदेश में रहता हो। देखो रघुवीर भाई, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। हाँ वो पासपोर्ट वगैरह का इंतजाम मैंने कर लिया है, सब कुछ हो गया है। तो ऐसा करो, वो अपना पहले गाँव है ना, वहाँ अपने पंडित जी है, उनके पास तो रिश्ते ही रिश्ते है। हाँ वो पंडित शिव शंकर। हाँ, हाँ, हाँ। भोले मंदिर वाले ना। हाँ, हाँ भाई। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाँ। अच्छा भैया इस समय जल्दी में हम जा चल रहे हैं। अच्छा, अच्छा, फिर बाद में मिलते हैं। अच्छा, अच्छा। धन्यवाद भैया। पापा भी बात तो सुनो। पापा कुछ नहीं सुनना है मुझे। तेरी सुनने का ही नतीजा है कि मैं अपने आप से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। और हाँ एक बात और कान खोल कर सुन ले, मैं पास के गांव जा रहा हूँ पंडित जी के पास तेरी शादी की बात करने। कोई लड़का देखकर एक हफ्ते के अंदर तेरा ब्याह कर दूंगा। बाबा प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी। और सुन,
लौटने में मुझे सुबह हो जाएगी। मैंने सपना के कमरे में रात का खाना भी रख दिया है, और खबरदार कमरा खोलने की कोशिश भी बंद करना, चाबी मेरे पास है। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तेरी छोरी यहाँ बंद है, वरना तेरी इतनी तुआई करूंगा कि तू भी जानेगी किसी से पाला पड़ा था। जी हाँ, नमस्ते आंटी। नमस्ते। वो आपके वहाँ किराए पे वो एक लड़की रहती थी ना, सपना, क्या आप जानते होंगे उसका गांव कहाँ पर है? जी वो यहाँ रहती थी, पर अब वो चली गई है उसके घर बाराबंकी। अच्छा, अगर आप उसका बाराबंकी का फुल एड्रेस या फोन नंबर अगर आपके पास हो तो? मुझे नहीं पता उसका फोन नंबर। तो, आंटी सुनिए, तो चाची। अरे रेहाना बेटी। चाची सच सच बताइए ना, बात क्या है? क्या मतलब? मतलब सपना कहाँ है? अरे वो सपना दिल्ली में, उसे कुछ काम था तो वो दिल्ली ही रह गई। चल अब तू जा, मुझे बहुत काम है। झूठ बोल रही हैं आप। अब्बू ने खुद देखा था सपना और रघुबीर चाचा को गांव आते हुए। आपको मेरी कसम, सच सच बताइए ना, बात क्या है? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तेरी छोरी यहाँ बंद है। मैंने कहा ना, सपना दिल्ली में है, मुझे बहुत काम है। चल तू जा यहाँ से। भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि सपना चौधरी का घर कहाँ पर है? क्यों, क्या काम है? अब बस कुछ नहीं, उनसे मिलना था। यहाँ लड़के के नाम से पता नहीं पूछा जाता। अगर बाबा आपका नाम पता हो तो बताओ। उसके बाबा का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ उनके बाबा भी चौधरी ही हैं। अरे भैया, यहाँ तो सारे लोग चौधरी हैं। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। जय भोलेनाथ शिव शंकर। चौधरी साहब, एक रिश्ता है, लड़का अमेरिका में रहता है और आजकल यहाँ है। यदि आप कहें तो मैं उनको लेके आपके घर आ जाता हूँ। अरे पंडित जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आपने तो हमारे सर का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया पंडित जी। पंडित जी, जब आपकी मर्जी हो आप आवें लेके उनको। पंडित जी हम चल रहे हैं, हमको चलने के लिए कहें। भाई जैसी आपकी इच्छा। अच्छा प्रणाम पंडित जी, सुखी रहिए। जय भोलेनाथ शिव शंकर। माँ, माँ, माँ दरवाजा खोलो, माँ, माँ दम घुट रहा है, माँ। सपना हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। माँ, माँ तबीयत खराब हो रही है। सपना हम आ रहे हैं। सपना, तुम बाहर। मेरी बेटी ठीक है ना? सपना पानी पी। चल बेटी, चल।
चल हम तुझे अंदर कमरे में ले जाते हैं, पंखे की हवा खाएगी तो ठीक हो जाएगी। चल मेरी बेटी सपना, मुझे माफ कर दो माँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। I'm sorry. सपना, बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए माता पिता उन पर नियंत्रण रखते हैं, कभी कभी गुस्सा भी होते हैं, लेकिन रघुवीर ने जो किया ऐसा काम कोई हैवान ही कर सकता है। अपनी झूठी अकड़ और शान में इस कदर अंधा हो गया था रघुवीर कि ना तो उसे अपनी बेटी का दर्द दिखाई दे रहा था ना उसकी खुशी। क्या करेगी अब सपना, क्या रघुवीर के जुल्म के आगे हार मान जाएगी वो? समोसा लीजिए भैया, बस थोड़ा सा। आपका सूट बहुत बढ़िया है, विदेशी है शायद। बहन जी अभी अभी आ। अरे नहीं, अरे नहीं बेटा। देखो सपना, कोई तमाशा मत करना, तू तो अपने बाबा का गुस्सा जानती है ना। बहन जी, लड़कियां तो बहुत सी होती हैं, लेकिन हमारी सपना बिल्कुल अलग है, अलग। अरे इतनी सुशील कि इसके मुंह में जवाने नहीं है। अरे बिल्कुल गाय है, गाय। पर लड़की को तो बुलाइए। हाँ हाँ, अरे लता, सपना को लेके आओ। चल बेटा, चल। लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है। आपने ग्रेजुएशन कहां से किया है? बताओ बेटिया, बताओ। अरे भैया, हमने आपसे कहा था ना कि बहुत शर्मीली है ये। अरे दिल्ली से पढ़ाई की है इसने, दिल्ली से। लड़की तो हमें आपकी बहुत पसंद है। भाई अब तो भाई मुंह मीठा करना पड़ेगा। आप कह रहे तो खा ले रही। भाई शादी की तो हमें बहुत जल्दी है। आप अब जल्दी की बात कर रही हैं? अरे हम तो कहते हैं आप परसों ही बारात लेके आ जाइए। अरे अब इतनी भी जल्दी नहीं है भैया। भैया ये घर दिखाते हैं आपको। अब यह चलो बेटा। हाँ रियाना, मैं भी तुझे बहुत मिस करती हूँ, सच्ची। हेलो हेलो,
क्या हुआ? बैटरी डेड। नंबर बोलो। 8000 9000 इतने सारे जीरो। ये लो बात करो। हाँ हेलो। हाय रेहाना। जी मैं रेहाना बोल रही हूँ, आप कौन? मैं विक्रम। विक्रम माथुर। हाँ विक्रम माथुर। सपना हमेशा ही आपके बारे में बहुत बातें करती है, सपना है क्या? नहीं तो, वो तो कुछ दिन पहले ही अपने बाबा के साथ अपने गांव चली गई है। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई। मैं तो उसके घर पे भी पता करके आई हूँ। क्या? नहीं, वो कुछ दिन पहले ही अपने बाबा के साथ अपने गांव गई है। तुम एक काम करो, तुम पता लगाओ रेहाना, जरूर कोई गड़बड़ है। प्लीज तुम कुछ भी करो किसी भी तरह से, आखिर पता लगाओ कि ये आखिर मसला क्या है, बात क्या है। मैं भी बहुत दिनों से उसे फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। ठीक है, सपना वहां नहीं है तो कहां है? ताला नहीं पड़ा, बात क्या है? सपना, सपना उठो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। बात क्या है? रियाना, बाबा मुझे गांव लेकर आ रहे थे, विक्रम मिला था मुझसे उस दिन, बाबा ने मुझे उसके साथ देख लिया। बाबा मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम भी बहुत परेशान है तेरे लिए। मुझे निकालो यहाँ से रियाना, कुछ भी करो। देख तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सुबह होते ही अब्बू से बात करूंगी, वो पंचायत से कोई ना कोई तो बात करेंगे ही तेरे लिए। कोई फायदा नहीं है, बाबा सबके सामने मुझे ही झूठा साबित कर देंगे। मुझे नरक से बाहर निकालो रियाना, बाबा ने 2 दिन बाद मेरी शादी तय कर दी है, मुझे शादी नहीं करनी। देख तू बिल्कुल चिंता मत कर, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हेलो विक्रम। माँ मुझे शादी नहीं करनी। देख सपना, हालात दरवाजे आ गई और तू अपने असली घर जा रही है, मुझे इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझा दो इसको। माँ मैं मर जाऊंगी। ओम शिव पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय नमः। अरे चौधरी साहब। हाँ, महादेव की कृपा से अब आप कन्या को बुलाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लेके आओ। जी अभी लाती हूँ।
आओ आओ बेटा आओ इधर आ आ जा। दामाद जी, आज से हमारी बेटी आपकी हुई, इसका खूब ख्याल रखिएगा। ये लीजिए, आज से इसकी जिंदगी की डोर आपके हाथ। बताओ ये क्या मजाक है? मजाक? ये मजाक नहीं है सपना के बाबा, ये तो हैवानियत है, हैवानियत। और ये सब हमने आपसे ही तो सीखा है। लता, चिल्लाइए मत। हमने आपकी हर बात मानी, हर जुल्म सहा, लेकिन नहीं, अब नहीं। मेरी सपना किसी और को चाहती है, लेकिन ये आदमी, इस आदमी ने अपनी जिद के आगे कभी किसी की नहीं सुनी। हमें मारा, पीटा, गालियां दी, और जब इसका मन फिर भी नहीं भरा तो इसने मेरी सपना को जानवरों की तरह जंजीर से बांध दिया। लता! बस चौधरी साहब, अब नहीं। चौधरी साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। किस सदी में जी रहे हैं आप? माना कि बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन ये ऐसे कोई जानवरों की तरह बच्चों को पालता है। हमसे गलती हो गई भैया, आपको माफ कर दो बेटा। नहीं चौधरी साहब, ये गलती नहीं, ये गुनाह है। पापा कॉल लगी। हेलो पुलिस, थानेदार साहब, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये इंसान माफी के काबिल नहीं है, इसे ले जाइए। और जिस तरह से इसने मेरी बेटी को इस जंजीर से बांध के कमरे में बंद किया था ना, ठीक वही सलूक आप इसके साथ भी कीजिए। स्टॉप, चल चल यहाँ से। सपना जी एक मिनट प्लीज। विक्रम, स्टे हैप्पी। आखिरकार रघुबीर को अपने गुनाह की सजा मिली। अपनी पत्नी और बेटी के साथ घरेलू हिंसा के लिए उसे आईपीसी के सेक्शन 498A, बेटी को घर में कैद करके रखने और उसकी जबरन शादी कराने के लिए सेक्शन 366 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अपने अहंकार और गुस्से में लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि वयस्क होने के बाद बच्चों को हमारे नियंत्रण की नहीं, हमारे सहारे की जरूरत होती है। उनका अपना व्यक्तित्व, अपना जीवन होता है, अपनी इच्छाएं होती हैं, और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लानत है रघुबीर जैसे आदमी पर, जिसने न सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों का गला घोटना चाहा, बल्कि उसके भविष्य, उसकी आजादी के साथ भी खिलवाड़ किया। रघुबीर जैसे पुरुषों की मैं कड़ी निंदा करता हूं। ऐसे लोगों की सही जगह जेल ही है, क्योंकि सभ्य समाज में रहने लायक लोग नहीं है ये। जहां एक तरफ हम रघुबीर जैसे लोगों का नाम सुनकर शर्मसार हो जाते हैं, वहीं सपना की समझदारी, उसकी बहादुरी को देखकर उसे सलाम भी करते हैं। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।